अब अपन को इसमें अगली लेयर डालनी है, ठीक है, ये बेस लेयर। तो 8B पेंसिल का यूज करो। 8B पेंसिल का यूज करके अब तुम्हें आईब्रोज जो है पूरे नहीं भरने अपन को डार्क, ठीक है। जैसे तुमने इतना आईब्रो का पोर्शन ये है, तो इसके सेंटर सेंटर के पास रखो, इसे बाहर बाहर पूरे नहीं भरने। तो कैसे किया था अपन ने, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो 4-5 स्ट्रोक्स यहाँ लगाओ 8B से, ठीक है, 4-5, ज्यादा नहीं। फिर तुम्हें डायरेक्शन मैंने एक्सप्लेन करी थी, यहाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थोड़े आगे बढ़े, यहाँ जा रहे हो, थोड़े और आगे बढ़े, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने स्ट्रोक्स। तो तुमने गिनती थोड़े स्ट्रोक्स लगाए यहाँ की तरफ, भरना नहीं है अपन को, ठीक है। फिर थोड़े स्ट्रोक्स लगाए यहाँ पे, शार्प रखना पेंसिल अपनी। फिर थोड़े स्ट्रोक्स और आगे की तरफ लगाए अपन ने, एक बार में 4-5 स्ट्रोक्स ही लगाना हो पेंसिल को, क्या है, स्ट्रोक लगाए फिर घुमा लो, फिर घुमा लो। उससे क्या होता है, जो पॉइंटेड पोर्शन है तुम हर बार उससे स्ट्रोक्स लगाओगे। ये 4-5 स्ट्रोक्स लगाए और ये 4-5 स्ट्रोक्स लगाए। तो इस तरीके से तुमने अपनी आईब्रो को डार्क कर लिया, ठीक है। तो ये अपन ने सेकेंड लेयर दी आईब्रो में, ये अपना हो जाता है। ये धीरे, अभी बहुत बेसिक चीज देख रहे हैं अपन, ठीक है, ये बेसिक में ही आता है, तो हमें अभी और आगे देखना है। लेकिन अगर तुम ये वाले स्ट्रोक्स ढंग से नहीं लगा पा रहे हो तो फिर आगे एडवांस प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम आती है, इसलिए अभी पहले बेसिक वाला क्लियर करो। फिर 8B से क्या करना है, ये वाला जो अपन ने कर्व बनाया था यहाँ पे, इसे डार्क करो। आई की जो ऊपर वाली आउटलाइन है इसे डार्क करा, आयरिस को डार्क किया इस तरीके से, इसकी आउटलाइन थोड़ी डार्क करो। अब तुम्हें ये प्रैक्टिस करने दी थी मैंने, तो इस प्रैक्टिस का यूज तुम करो, ठीक है। पहले मैकेनिकल से लगाओ, ठीक है, इस तरीके से अपन ने मैकेनिकल से लगाया, तो अपने आय को थोड़ा फिल हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये आय बड़ी अजीब सी लग रही है, ऐसा लग रहा है घूर रही हो, तो अपन को वो जो ग्रेडियंट आता है आय में वो नहीं आ रहा है, वो कैसे आएगा? तो उसके लिए क्या करो, ऊपर शेड करना स्टार्ट करो। हाँ सही कह रहा हूँ, शेड करना, हैचिंग में शेड करना है अपन, आयरिस में होता है क्योंकि ये यूजुअली छोटा पार्ट होता है, अपन को आंखें सुंदर बनानी है। तो ये ऊपर डार्क किया, ये तुम्हारी आयरिस का सर्किल है, तो तुम्हें सेंटर पार्ट में याद रखना, तुम्हें यहाँ से यहाँ डार्क करते हुए आना है, धीरे धीरे लाइट करो, थोड़ा और लाइट करो, यहाँ पे खत्म कर दो, ठीक है। तो डार्क किया, थोड़ा लाइट करना स्टार्ट हुआ, थोड़ा और लाइट हुआ, और ये बस खत्म यहाँ, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या करना, थोड़ा ब्लेंडिंग स्टंप लो एक, और ऐसे ऐसे कर्व कर दो। तो आई में अपन ने ये जो टेक्सचर डाला था उससे हल्का हल्का टेक्सचर भी दिखता है, ये ऊपर जो अपन ने डेप्थ दी तो उसकी वजह से आई में जो एक डार्क टू लाइट का ग्रेडियंट आता है वो भी आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है ये अपना। फिर इसके बाद एक और चीज बचती है एक्स्ट्रा लेयर में देने, आईलैशेस। तो आईलैशेस मैंने तुम्हें राइट आई के लिए एक्सप्लेन किया था कि अपन कैसे आगे टिप से जब पीछे की तरफ जाते हैं तो वो छोटे से बड़ी होती है, तुम्हें इसमें भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 का मैंने तुम्हें कैसे बताया था, एक कर्व ये गया, बीच में एक और कर्व डाल दो, ऐसे फिर थोड़ा सा गैप दे सकते हो या यहीं से कंटिन्यू करो, थोड़ा और ज्यादा कर्व होगा, थोड़ा बड़ा। तो तुमने छोटे से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा इससे बड़ा बनाया, फिर इससे पीछे जो है थोड़ा और कर्व आएगा और बड़ा आएगा, फिर इसके पीछे का थोड़ा और कर्व और वैसे बड़ा आएगा। मैंने कर्व बनाने का तरीका भी बताया था, एक बार की जगह इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बनाओ, 4-5 कर्व को जोड़ के, फिर थोड़ा इस तरीके से ऊपर गए, फिर इस तरीके से ऊपर गए, फिर एंड वाले मैंने जो कर्व बोले थे यहाँ जो 2-3 रखते हैं वो तुम्हें और लंबे होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से लंबे से बना दो, तो ये आईलैशेस एक बेसिक पोर्शन हो जाता है अपना, ठीक है। ब्लेंडिंग स्टंप जैसे मेरा बहुत ग्रेफाइट रहता है, तो यहाँ पे हल्का हल्का ऊपर ऊपर जो आई के अंदर व्हाइट पोर्शन रहता वहां पे चला सकते हो, और थोड़ा थोड़ा यहाँ हैचिंग डाल सकते हो टिप पे। तो ये तुम्हारी एक बेसिक आय तैयार हो जाती है, लेकिन आय में अभी भी एक कमी लगती है, वो क्या लगती है, शाइन की। अपन ने पूरा चीज भर तो दी लेकिन वो शाइन नहीं आ रही, तो उसके लिए अपन व्हाइट जेल पेन यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आंखों में तुमने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर शेप का, लाइक इस सर्किल बना दिया अपन ने, इस शेप का अपने को हाईलाइट जो दिखता है, शाइन सी जो दिखती है, ठीक है।
तो अपन ये बना रहे हैं, तो आंखों में एक शाइन आ जाती है, अब अपनी आंख एक लाइवली आई लग रही है, ठीक है। अपन ने डेप्थ दी फेस लेयर के बाद, थोड़ा आउटलाइन डार्क करी और फिर आई लैशेस बनाई, ओके। तो इतना करो, तुमसे आई लैशेस बन रहे, तो मैं तुम्हारे आई लैशेस बन रहे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करें अपन, तो बनाओ एक कर्व, ये आई के ऊपर वाला कर्व होता है, अपन राइट आई के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये रेड टिप इस तरीके से जाएगा, अब आई लैश स्टार्ट होते हैं यहां से, ठीक है। तो इसे एक काम करो, हर 1 सेंटीमीटर पे एक डिवीजन पे डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये थोड़ी बड़ी बनाई, ठीक है। तुम अगर छोटी बनाओ, पहले बड़ी बनाना, तुम लोग भी छोटी मत बनाना, तो कितने डिवीजन आएंगे। अब इन डिवीजन के ऊपर ऐसे लाइन खींचो, यहाँ लिखो वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, यहाँ वेरी स्मॉल, यहाँ स्मॉल, यहाँ मीडियम, यहाँ लार्ज और यहाँ वेरी लार्ज। आईलैशेस का साइज, अब ऊपर लिखो आईलैशेस का डायरेक्शन। अब तुम्हें पता है कांटे नहीं बनाने, मैंने प्रैक्टिस के लिए तुम्हें ये वाले कर्व दिए थे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें एक कर्व ऐसे, दूसरा कर्व ऐसे, तीसरा कर्व ऐसे जा रहा, एक कर्व को 4-5 कर्व से जोड़ के बनाओ, ठीक है। अब जैसे मान लो ये बड़ा सा मैंने कर्व बना दिया, लेकिन इसकी टिप कहां पॉइंट करी, ये जो है ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा, और जो एंड में बनाते हैं अपन उसकी टिप यहां इधर पॉइंट करती है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टिप कि कहां पॉइंट कर रही है। तो तुम जो स्टार्टिंग में करते हो उसकी टिप पॉइंट करेगी ऊपर की तरफ, स्पीडोमीटर रहता ना धीरे धीरे ऐसे जाता है, मेरे आईब्रो आईलैशेस का शेप भी धीरे धीरे ऐसे जाता है डायरेक्शन। तो तुम क्या करो, ये मार्क किया, थोड़े एंगल पे यहाँ लगा दो, थोड़े एंगल पे यहाँ, फिर यहाँ जैसे जैसे कर्व जाता रहा ये यहाँ, और यहाँ जो मैं बोलता हूँ तुम्हारे एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाने चाहिए, ओके। तो मैंने आई का एक कर्व बना लिया, मैंने नीचे साइज लिख दिया कि कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल ये होता है, नीचे बना भी दे रहा मैं कि वेरी वेरी स्मॉल ये होता है, ठीक है। वेरी स्मॉल उससे थोड़ा बड़ा होता है, स्मॉल इस तरीके से होता है, मीडियम ये होते हैं, लार्ज ये होते हैं, और वेरी लार्ज जो एकदम पीछे जाते हैं ना ये होते हैं। तो अगर तुम इनको ज्वाइन करो तो तुम्हें वो ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज याद आ जाएगी जो मैंने करवाई थी। अब वही चीज अपन को लगानी है इसमें, तो स्टार्ट करा। अब देखो तुम्हें एक चीज पता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होने, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चुन्नू मुन्नू से बना रहे हैं, एकदम बड़ा कर दिया फिर यहाँ एकदम, वो स्टेप्स नहीं बनाने अपन को, ग्रेजुअली इंक्रीज। लेट्स से स्टार्टिंग होती एक दो ऐसे से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो ये छोटे छोटे हुए। अब जो वेरी स्मॉल वाले हैं उनमें एंटर कर अपन, तो इसकी डायरेक्शन देखना ऊपर थी, अब इसकी डायरेक्शन थोड़ी टेढ़ी होगी और थोड़े बड़े भी होंगे, तो इनकी डायरेक्शन देखो, आई टेढ़ी, थोड़ा और इधर बनाया मैंने, थोड़ा और इधर बनाया मैंने, तो इनकी डायरेक्शन थी। अब इसकी डायरेक्शन देखो, जो वेरी स्मॉल वाले हैं वो थोड़े और कर्व यहाँ पे, लेकिन वो थोड़े बड़े हुए। अब मीडियम वाले वो और इस साइड डायरेक्शन में आने लग गए, अभी मैं लार्ज वाले की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो लार्ज वाले में थोड़े और बड़े होने लग गए ये, और इनका डायरेक्शन एकदम इधर जाने लग गया। अब जो वेरी लार्ज वाले में जा रहा हूँ, ये पीछे वाले जो चार पास आता है ना मैंने, ये इस वाले एरिया में जो आते हैं वो सब बहुत बड़े बड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपन को एक काम करना है कि लास्ट वाला बनाओ यहाँ पे वो एकदम हॉरिजॉन्टली चला जाए। तो मेरे को देखा तुमने एक चीज, मैं एक बार मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 1, 2, 3 नहीं, 4-5 स्ट्रोक्स मिला के एक बन रहा है मेरा, मेरा इस तरीके से आ रहा है। तो मैंने अगर तुम इनकी सारी में जहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट ज्वाइन कर दो तो ये आता है, वो जो मेकअप वाला एक शेप नहीं होता आई लो जो अभी बनाते हैं एक्ट्रेसेस की, एकदम अपनी आईलाइनर एकदम पीछे तक देते हैं, यहां से पतला पतला स्टार्ट होता है पीछे तक एकदम और लंबा खींच देते हैं, वही वाला शेप है ये। मैंने तुम्हें ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज थी, ट्राइंगल को बस थोड़ा कर्व कर दिया है।
अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं तो वो ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज ही आती है। तो ये तुम एक और डिटेल्ड तरीका है प्रैक्टिस से बन सकते हो, ठीक है।